महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस 2 की बजाय 1 प्रत्याशी खड़ा करने पर शनिवार को सहमत हो गई। इसके साथ ही राज्य विधायिका के उच्च सदन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस ने जालना जिला परिषद के सदस्य राजेश राठौड़ को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। विधान परिषद के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त होने के बाद 9 सीटें खाली हो गई थी। सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अब तक राठौड़ समेत 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए प्रवीण दटके, गोपी चंद पडलकर, अजित गोपछड़े और रणजीत सिंह पाटिल को प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। महाराष्ट्र में 9 विधान परिषद सीटों पर 21 मई को चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सदस्य वोट देंगे। बता दें, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 28 नवंबर को शपथ ली थी। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के प्रमुख के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।